फर्स्ट वीडियो में हमने दो पार्ट दो स्टैंजा लिए है, अभी थर्ड स्टैंजा ये दूसरे पार्ट टू में. सो एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन, द पोएटेस आस्क ए चाइल्ड हैप्पी वन. द पोएटेस आस्क ए चाइल्ड हैप्पी वन एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन, ए सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, ए माइटी ग्लोरियस डार्जलिंग सी स्ट्रेचिंग इन टू इन्फिनिटी. एंड वॉट इज द फ्यूचर हैप्पी वन, ये हैप्पी वन ये इस चाइल्ड को कहा गया है. हैप्पी वन सिम्बलाइज द चाइल्ड अगेन. फ्यूचर हैप्पी वन को पोएटेस कहती है कि फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर किसने देखा है, फ्यूचर इन्फिनाइट है जिसकी कोई सीमा नहीं है. और ये सब हमारे आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसे है. आपका फ्यूचर ये आपके प्रेजेंट पर डिपेंड है. अगर आप आज प्रेजेंट पे हार्डवर्क करते हो तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा. बिकॉज एज यू सो सो शैल यू रीप, आप जैसे बोओगे वैसे ही पाओगे. स्टूडेंट्स हमेशा एक बात याद रखना कि सीखा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता. तो आपको क्या करना है, हार्डवर्क करना है फ्यूचर के लिए. चाइल्ड कहता है कि मेरा फ्यूचर एक सी जैसे है, समुद्र के जैसा है. ए सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, जो समुद्र के नीचे पूरा प्लेन फैला हुआ है वह क्लाउडलेस सन कैसा है, माइटी ग्लोरियस डार्जलिंग है जिसकी कोई सीमा नहीं है. वो सी कैसा है, पावरफुल है, प्रॉस्परस हो रहा है. डार्जलिंग मीन्स चमकता हुआ. और वो स्ट्रेच हो रहा है, फैला हुआ है, मानो इसका अंत कहीं भी दिख नहीं रहा. देयर इज नो एंड. जब आप बड़े होते हो स्टूडेंट्स तो कुछ बन जाते हो तो आपके काम की भी कोई सीमा नहीं होती. मीन्स देयर इज नो एंड टू योर वर्क, टू योर प्रोफेशन. सो देयर इज नो एंड, जो एंडलेस है. तो इन द लास्ट स्टैंजा द चाइल्ड रिप्लाइज दैट फ्यूचर इज लाइक अ सी, व्हाट इज दैट इज बीनीथ द सन इन अ क्लाउडलेस स्काई. वो जो सी के नीचे है, सन के नीचे है, और वो कैसा है, क्लाउडलेस है, प्लेन है. द सी इज वेरी पावरफुल, ग्लोरियस एंड शाइनिंग ब्राइटली एंड इट स्ट्रेचेस ऑन विदाउट एंड एंड. सो द पोएट रिप्लाइज दैट इट्स फ्यूचर इज लाइक अ सी दैट इज बीनीथ द सन इन अ क्लाउडलेस स्काई. द सी इज वेरी पावरफुल, ग्लोरियस एंड शाइनिंग ब्राइटली एंड इट स्ट्रेचेस ऑन विदाउट एंड एंड. सो इन द पोएम past, present and future, the poetess asks a child, what is your past? Then child replies that past is like an autumn evening, soft and mild, with a wind that sighs sadly. और उसका past कैसा है, एक autumn के evening जैसा है, जैसा था, soft और mild था. और वो कैसे जा रहा है कि मौन, वो wind उसको mournfully, sadly लेके जा रहा है. Then अगेन पोएटेस आस्क अ चाइल्ड व्हाट इज योर प्रेजेंट, द चाइल्ड रिप्लाइज दैट द प्रेजेंट इज लाइक अ ग्रीन ब्रांच ऑफ फ्लावर ऑन विच यंग बर्ड सीड्स गैदरिंग स्ट्रेंथ टू फ्लाई अवे. इन द प्रेजेंट अवर द प्रेजेंट इज लाइक ए ग्रीन ब्रांच ऑफ फ्लावर ऑन विच यंग बर्ड सीड्स टू गैदर इट्स पावर टू फ्लाई अवे. इन द थर्ड स्टैंजा द पोएटेस आस्क अगेन व्हाट इज योर फ्यूचर. To this, the child replies that its future is like a sea that is beneath the sun in a cloudless sky. The sea is very powerful, glorious and shining brightly and it stretches on without an end. So students, child bolta hai ki future kaisa hai uska? फ्यूचर इज लाइक अ सी, समुद्र के जैसा है, और वो बीनीथ द सन है, सूर्य सन के नीचे है, और वो क्लाउडलेस है, पूरा प्लेन है. द सी और सी कैसा है, वेरी पावरफुल है, ग्लोरियस है, और वो चमकदार है, शाइनिंग ब्राइटली, और स्ट्रेचेस विदाउट एन एंड, और वो एंडलेस तक स्ट्रेच हो रहा है, फैला हुआ है. तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. यू हैव टू लिसन दिस पोएम केयरफुली, अंडरस्टैंड इट एंड देन complete its exercise in your textbook exercise and write it in your notebook. Thank you.